ये है राज कपूर जी का पुस्तैनी बंगलो, जहाँ से कपूर खानदान की ना शुरुआत हुई थी, जहाँ पर रणधीर कपूर, राजीव कपूर और ऋषि कपूर का बचपन बीता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मुंबई के चेंबूर इलाके में, और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बॉलीवुड के 60 दशक के सबसे महान अभिनेता और फिल्म इंडस्ट्री के ग्रेट शोमैन कहे जाने वाले ना राज कपूर जी का पुस्तैनी वाला बंगलो दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें राज कपूर जी का पूरा बचपन बीत गया था और साथ में उनके तीनों बेटे रणधीर कपूर, राजीव कपूर और ऋषि कपूर का भी बचपन बीत गया था। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राज कपूर जी तीन भाई थे, राज कपूर जी, शम्मी कपूर जी और शशि कपूर जी। और राज कपूर जी के जो तीनों बेटे थे उनमें से अब ऋषि कपूर जी और राजीव कपूर जी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन रणधीर कपूर अभी भी हैं। रणधीर कपूर करिश्मा कपूर जी के और करीना कपूर जी के पिताजी हैं, और जो यहाँ पर ऋषि कपूर जी थे वो रणबीर कपूर जी के पिताजी थे। तो आज की इस वीडियो में मैं उनके उस घर का पूरा हाउस टूर कराने वाला हूँ, और साथ में ना राज कपूर जी के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी दूंगा जो आप लोगों को नहीं पता होगा। दोस्तों उन्होंने 60 दशक में ही 11 साल की उम्र में और 22 साल की उम्र में जाते जाते ना पूरा फिल्म इंडस्ट्री को ही हिला डाला था। दोस्तों आपको बताते चलें कि समझ लीजिए हम ना, पूरे कपूर खानदान की शुरुआत इसी घर से हुई थी। 1988 में जब राज कपूर जी का निधन हुआ तो इसी घर में हुआ, और जब 2018 में उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर जी का निधन हुआ तो वो भी इसी घर में हुआ। तो आज की इस वीडियो में उनका पूरा बायोग्राफी से रिलेटेड उनकी पूरी कहानी भी बताऊंगा और उनके घर का पूरा हाउस टूर भी दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि जिस घर में राज कपूर जी, ऋषि कपूर जी, राजीव कपूर जी, रणधीर कपूर जी रहते थे उनका वो घर कैसा है, कहाँ पर है और अब उस घर में कौन कौन से लोग रहते हैं। तो चलिए गाइज वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइज फाइनली अभी हम आ चुके हैं चेंबूर के इलाके में, देख सकते हैं चेंबूर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से राज कपूर जी का घर लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी फाइनली हम मेन चौक पे आके उतर चुके हैं और यहाँ पर है देवनार बस आगार, यानी देवनार बस स्टैंड, और यहाँ पर है विष्णु नारायण पूर्व मार्ग, और यहाँ से हमें अंदर हो जाना है और वही वाला रूट पकड़ के सीधा हमें जाना है जहाँ पर राज कपूर जी का पुराना पुस्तैनी बंगलो है। और फाइनली हम आ चुके हैं लाला जमुना दास गुप्ता मार्ग पर, और इसी के अंदर हमें जाना है, ये चौक है और यहाँ से हमें यही रोड सीधा पकड़ के अंदर जाना है जहाँ पे राज कपूर जी का पुराना बंगलो है। तो आइए अब यहाँ से हम लोग सीधा चलते हैं। थोड़ी दूर आगे आने पर आपको यहाँ पर BRC अस्पताल देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको सीधे ही आगे बढ़ते रहना है और हमारे सामने ही राज कपूर जी का वो पुस्तैनी बंगलो का मेन गेट दिखने लगा है। देख सकते हैं आप लोग व्हाइट कलर का इनका ये बंगलो है। अभी मैं आपको अच्छे से इनके बंगलों का पूरा टूर कराता हूं और आपको इस बंगले की पूरी कहानी बताता हूं। फाइनली गाइज मैं राज कपूर जी के बंगलों के ठीक सामने पहुंच गया हूं। यहां पर देख सकते हैं इनका यही बंगलो है और मेन गेट पे लिखा हुआ है देवनार कॉटेज, इनके घर का नाम है और इसको लोग RK कॉटेज के नाम से भी जानते हैं। बालकनी देख सकते हैं आप लोग और यहाँ पर खिड़कियों को भी देख सकते हैं, और इसको फिर से वाइट कलर से पूरा पेंट कर दिया गया है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इनका ये घर देखने में। लगभग 1946 में राज कपूर जी ने इस बंगलो को खरीदा था। दोस्तों ये RK स्टूडियो के ठीक पीछे स्थित है। लगभग 3000 स्क्वायर फीट के इस कॉटेज में राज कपूर जी अपनी वाइफ कृष्णा राज कपूर और उनके बच्चे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजी कपूर रहा करते थे। इतना ही नहीं, ऋषि कपूर और नीतू कपूर से लेकर करिश्मा कपूर और संजय तक इस कॉटेज में कई शादियाँ और रिसेप्शन पार्टी भी हो चुकी है। जहाँ पे ये इनका बंगला है ना, ये चेंबूर का सबसे महंगा इलाका माना जाता है। राज कपूर मुंबई आने के बाद ना इसी घर से अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किए थे और फिल्म इंडस्ट्री में महारत हासिल किए थे। आप देख सकते हैं अंदर से इनका घर कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। फिर से इस घर को व्हाइट कलर से पूरा कलर करवाया गया है और छोटा सा प्यारा सा गार्डन भी है, पीछे भी है, सामने भी है। और एक तस्वीर में लगा के आपको दिखा दूं, जब राज कपूर जी इस घर में रहते थे तो वो अपने तीनों बेटों के साथ पीछे गार्डन में बैठा करते थे और उनके साथ वो अब टाइम जो है स्पेंड किया करते थे। तो यही है राज कपूर जी का पुस्तैनी वाला घर, जिसमें रणधीर कपूर, राजीव कपूर, ऋषि कपूर जी का पूरा ना बचपन बीत गया था।
दोस्तों राज कपूर जी के निधन के बाद इसी घर में उनके बच्चे रणधीर कपूर, राजीव कपूर और ऋषि कपूर रहते थे। लेकिन ऋषि कपूर ने कुछ सालों बाद इस घर को छोड़ दिया और उसके बाद राजीव कपूर और रणधीर कपूर रह रहे थे। फिर 2021 में जैसे ही राजीव कपूर की मृत्यु हो गई तो इस बंगले को रणधीर कपूर भी छोड़कर चले गए और ऋषि कपूर जी की मृत्यु कोरोना के कारण 2020 में जो उनका बांद्रा वाला बंगलो है उसमें हुआ था। अभी इनका ये घर पूरी तरह से खाली है। दोस्तों राज कपूर जी का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में, जो अब पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम ना रणबीर राज कपूर था। उनके पिता का नाम पृथ्वी राज कपूर और उनकी माता का नाम रामसरणी देवी कपूर था। इनके भाई का नाम शशि कपूर, सम्मी कपूर था और इनकी बहन का नाम उर्मिला सियाल कपूर था। 1946 में राज कपूर जी के पिता पृथ्वी राज कपूर ने उनकी शादी अपने मामा की बेटी कृष्णा से करवाई। उनके बच्चों के नाम रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर और उनकी बेटी का नाम रीतु नंदा, जो उद्योगपति राजन नंदा से शादी की हैं, और उनकी दूसरी बेटी रीमा जैन, जो निवेश बैंकर मनोज जैन से शादी की हैं। राज कपूर जी को अभिनय विरासत में मिला था। आप लोग राज कपूर जी का पुश्तैनी वाला बंगलो देख ही रहे होंगे, किस तरह से 1946 में उन्होंने इस बंगलो को खरीदा था और अपने पूरे परिवार के साथ इसी बंगलो में वो रहते थे। सन 1929 में पृथ्वी राज कपूर के साथ राज कपूर भी मुंबई आ गए थे। पृथ्वी राज कपूर अपने सिद्धांतों के पक्के व्यक्तियों में से ना एक थे। पिता ने एक बार उनसे साफ कह दिया था कि नीचे से शुरुआत करोगे तो बहुत ऊपर तक जाओगे, बस फिर क्या था। राज कपूर जी को पिता की यही सीख काम आई और राज कपूर जी ने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंकलाब 1935 से शुरुआत कर दी। 6 भाई बहनों में सबसे बड़े राज कपूर जी को इंडस्ट्री के द शो मैन कहा जाता था। उस समय के सबसे मशहूर डायरेक्टर केदार शर्मा ने 1947 में अपनी फिल्म नीलकमल में मधुबाला के साथ हीरो का रोल अदा करने के लिए ना राज कपूर जी को अपनी फिल्म में शामिल कर लिया। और इसके बाद इसी घर में रहकर राज कपूर जी ने कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया। दोस्तों राज कपूर जी का सपना 24 साल की उम्र में पूरा हुआ जब उन्होंने फिल्म आग 1948 में पहली बार पर्दे पर प्रमुख भूमिका निभाने के साथ ना फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। फिल्म बनाने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन उनके सपनों की भूख और बढ़ती गई। अब उनका एक और सपना था। आपको बता दें, वह अपना खुद का स्टूडियो बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने चेंबूर में 4 एकड़ जमीन पर 1950 में अपने आरके स्टूडियो की महत्वपूर्ण स्थापना की। अपने स्टूडियो में उन्होंने 1951 में फिल्म आवारा में रूमानी नायक की भूमिका निभाकर काफ़ी ख्याति अर्जित की। राज कपूर ने 1949 में बरसात, श्री 420, 1955 में जागते रहो, 1956 के साथ 1970 में मेरा नाम जोकर फिल्म देकर सबके दिलों पर राज किया। राज कपूर का हर अंदाज लोगों को ना काफ़ी पसंद आया। राज कपूर जी अपने ज़माने के सबसे यंग डायरेक्टर थे। उनकी डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म ना आग थी, जिसमें उन्होंने खुद ही लीड रोल प्ले किया था। 2 जून 1988 को 63 साल की उम्र में अस्थमा के बिगड़ने से राज कपूर जी का निधन हो गया। उनकी सिनेमाई विरासत बाद में बेटे ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर ने संभाली, मगर बेटियां रीमा कपूर और रितु कपूर फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहीं। राज कपूर जी को सन 1987 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला था और राज कपूर जी को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा ना 1971 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें कई सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यही है हमारे राज कपूर जी का पुश्तैनी वाला बंगलो, जिसमें वो अपने बेटों के साथ रहा करते थे और इसी घर में ऋषि कपूर, राजीव कपूर और रणधीर कपूर का भी पूरा बचपन बीता था। यानी उनका भी पुश्तैनी घर यही है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो गाइज, उम्मीद करूंगा आपको इनके घर का हाउस टूर पसंद आया होगा और साथ में मैंने आपको इनके कहानी के बारे में पूरी बात बता दी है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।